नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी होने के साथ ही सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण का कानून लागू। प्रधानमंत्री ने कहा, इस कानून से नए भारत का आत्मविश्वास बढ़ेगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 352वां प्रकाशोत्सव पटना सहित पूरे देश में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नई दिल्ली में आज एक स्मारक सिक्का का लोकार्पण करेंगे। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने 2 पदक जीता। सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी होने के साथ ही सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण का कानून लागू हो गया है। अधिसूचना में आर्थिक स्थिति को लेकर कोई सीमा तय नहीं की गई है, बल्कि इसकी जिम्मेदारी सरकार पर छोड़ी गई है। सरकार ही समय समय पर इसका निर्धारण करेगी। इस कानून के तहत पहली बार गरीब सवर्णों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके पूर्व संसद से पारित सवर्ण आरक्षण विधेयक को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि मंगलवार को इस विधेयक को लोकसभा में पारित किया गया था, जबकि राज्यसभा से यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। इस आरक्षण का लाभ पाने वाले अभ्यर्थी के परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही उनके पास 5 एकड़ से ज्यादा कृषि योग्य भूमि और 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा आवास नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण से नए भारत का आत्मविश्वास बढ़ेगा। अन्य श्रेणी के गरीब युवाओं को शिक्षा और सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण नए भारत के आत्मविश्वास को और बढ़ाने वाला है। ये मेरे उन भाइयों बहनों को समानता देने की ऐतिहासिक कोशिश थी, जिनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता रहा है। ये व्यवस्था आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के प्रस्तावित महागठबंधन को विफल प्रयोग बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि गठबंधन में शामिल दल भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली कमजोर सरकार बनाने के इरादे से एकजुट हो रहे हैं। इन दिनों भारतीय राजनीतिक इतिहास के एक असफल प्रयोग को महागठबंधन के नाम से प्रचारित करने का अभियान चल रहा है। जब कांग्रेस इतनी गर्त में भी नहीं थी, तब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और कांग्रेस के सामने खड़े हुए थे। अब आज जब कांग्रेस रसातल में है, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उसके बड़े बड़े नेता जमानत पर है, तो ये कांग्रेस विरोध में जन्मे हुए दल कांग्रेस के सामने जाकर सरेंडर कर रहे हैं। नई दिल्ली में रामलीला मैदान में पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जनता को तय करना है कि वो मजबूत सरकार चाहती है या गठबंधन वाली कमजोर सरकार। ये सारे मिलकर अब देश में एक मजबूर सरकार बनाने में जुट गए हैं। वो नहीं चाहते कि देश में मजबूत सरकार बने और उनकी दुकान फिर बंद हो जाए। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि भ्रष्टाचार कर सके। इस देश का नागरिक मजबूत सरकार चाहता है ताकि व्यवस्था में भ्रष्टाचार को खत्म कर सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस उच्चतम न्यायालय में अपने वकीलों के माध्यम से अयोध्या मामले में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी दल झूठे आरोप लगाकर प्रधान न्यायाधीश पर महाभियोग चलाना चाहते थे। कांग्रेस अपने वकीलों के माध्यम से न्याय प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस से तो देश के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए उन पर आरोप लगाकर महाभियोग के लिए भी तैयारी की थी। कांग्रेस नहीं चाहती कि अयोध्या विषय का हल आए, इसके लिए भी तो उसके वकील सुप्रीम कोर्ट गए थे। हमें कांग्रेस का यह रवैया भूलना नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने किसानों को केवल एक वोट बैंक के रूप में देखा,
लेकिन मौजूदा सरकार किसानों की चुनौतियों का समाधान करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने शॉर्टकट के बजाय लंबा और कठिन रास्ता चुना है। किसानों की मूल समस्याओं को सुलझाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। बीज से लेकर बाजार तक सरकार नई और आधुनिक व्यवस्थाओं का निर्माण कर रही है। ये व्यवस्थाएं बनने में समय जरूर लेती हैं, लेकिन इनका लाभ बहुत बड़े स्तर पर मिलता है। श्री मोदी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास और एक भारत श्रेष्ठ भारत उनकी सरकार का उद्देश्य है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि जीत के लिए मेरा बूथ सबसे मजबूत का मंत्र अपनाना होगा। नीति आयोग की ओर से जारी एस्पिरेशनल रिपोर्ट में 113 जिलों में औरंगाबाद चौथे और जमुई नौवें स्थान पर पहुंच गया है। आयोग की रैंकिंग में पूर्णिया की स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी सुविधा में 6 माह में 18 अंकों की बढ़ोतरी की है। रैंकिंग में पूर्णिया 89 स्थान से 71 स्थान पर जगह बना चुका है। जारी रिपोर्ट में एस्पिरेशनल जिलों की सूची में औरंगाबाद जिला 21वें स्थान से चौथे स्थान पर आ गया है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 352वां प्रकाशोत्सव पटना सहित पूरे देश में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज दीवान साहब में दशमेश गुरु के जन्म का मुख्य समारोह होगा। गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मोत्सव पर आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्मारक सिक्का का लोकार्पण करेंगे। प्रकाश पर्व के मुख्य समारोह का आज आकाशवाणी पटना से सुबह 9 बजे से 12 बजे तक सीधा प्रसारण होगा। राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 352वें प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। पटना और भोजपुर जिलों में 300 से अधिक बच्चे खसरे से पीड़ित हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति ने इसकी रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य समिति ने अपने निर्देश में कहा है कि खसरा एक छुआछूत की बीमारी है। इससे पीड़ित बच्चों के संपर्क में आने से अन्य बच्चों में इसका संक्रमण होने का खतरा है। ऐसे में पीड़ित बच्चों को परिवार से अलग करके इलाज कराया जाए। साथ ही इसकी रोकथाम के लिए पीड़ित बच्चों को विटामिन ए का खुराक देने का परामर्श दिया गया है। राजधानी पटना सहित प्रदेश के कई इलाकों में कनकनी बढ़ गई है। भागलपुर जिले का सबौर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं गया का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि तापमान में मामूली उतार चढ़ाव हो सकता है। पुणे में खेले जा रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने 2 पदक जीता है। इस प्रतियोगिता के भारोत्तोलन स्पर्धा में जहानाबाद के भोला कुमार ने रजत पदक, जबकि बालिकाओं की तैराकी में माही श्वेता राज ने कांस्य पदक जीता है। श्वेता ने तैराकी की 100 मीटर फ्री स्टाइल वर्ग में कांस्य पदक जीता है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान ने भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, पीएम ने भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। मोदी बोले, विपक्षी दल अपनी करतूतों से डरे। दैनिक जागरण का शीर्षक है, प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर प्रहार, जनता से पूछा, चोरी कर परिवार में बांटने वाला सेवक चाहिए या भ्रष्टाचार मिटाने वाला। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, सामान्य वर्ग को 10% की आरक्षण पर राष्ट्रपति की मुहर, 1 हफ्ते में लागू होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी होने के साथ ही सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण का कानून लागू। प्रधानमंत्री ने कहा, इस कानून से नए भारत का आत्मविश्वास बढ़ेगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 352वां प्रकाशोत्सव पटना सहित पूरे देश में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नई दिल्ली में आज एक स्मारक सिक्का का लोकार्पण करेंगे। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने 2 पदक जीता। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 10% आरक्षण नए भारत के प्रति विश्वास बढ़ाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री अब्दुल अजीज कमिलोव के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको दीवार बनाने को लेकर सरकारी कामबंदी खत्म करने के लिए विपक्षी सांसदों को वार्ता के लिए व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण दिया। और खेलों में पुणे में खेलो इंडिया युवा खेलों में 37 स्वर्ण पदक लेकर महाराष्ट्र शीर्ष पर। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण के विधेयक को स्वीकृति दे दी है। इस सप्ताह संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित होने के बाद 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। ये अधिनियम सरकार द्वारा बाद में घोषित तिथि से लागू होगा। ये संविधान की धारा 15 और 16 में संशोधन करके राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विकास के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिए जाने से नए भारत के प्रति विश्वास बढ़ेगा। नई दिल्ली में कल रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, अन्य श्रेणी के गरीब युवाओं को शिक्षा और सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण नए भारत के आत्मविश्वास को और बढ़ाने वाला है। ये मेरे उन भाइयों बहनों को समानता देने की ऐतिहासिक कोशिश थी जिनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता रहा है। ये व्यवस्था आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया कि इस नए आरक्षण से समाज के अन्य वर्गों के वर्तमान आरक्षण कोटे में कोई कमी नहीं आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास और एक भारत श्रेष्ठ भारत उनकी सरकार के ध्येय हैं। हमें विकास की शक्ति पर विश्वास है, हमें देश के सामर्थ्य संसाधनों पर विश्वास है। विकास चौतरफा, विकास सबका साथ सबका विकास, ये हमारा लक्ष्य है। विकास से ही प्रगति की पहचान होगी, विकास से ही देश की शान बढ़ेगी। हमें मिलकर नया भारत बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए सरकार के कल्याण कार्यों का भी उल्लेख किया और बताया कि पहले की सरकारें किसानों को वोट बैंक मानती थीं, जबकि उनकी सरकार किसानों की कठिनाइयों का समाधान करने के लिए निरंतर कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए दिन रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों के प्रस्तावित महागठबंधन को एक असफल प्रयास बताया और आरोप लगाया कि ये दल भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूर सरकार के गठन के लिए गठजोड़ कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। इस वर्ष लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को शामिल किए बिना समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन किए जाने की घोषणा के बाद राहुल गांधी ने दुबई में यह बात कही। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में 38-38 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने की घोषणा की है और 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का जारी करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने पिछले महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में समाज के कमजोर वर्गों के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के संघर्ष और सेवाओं का उल्लेख किया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री कोविंद ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना जीवन लोगों की सेवा तथा सत्य न्याय और करुणा के आदर्शों के लिए समर्पित कर दिया। उनकी शिक्षाएं हमेशा लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। सब क्या हुआ? पापा को हार्ट अटैक आया है। वॉलेट कहाँ गया? एयरपोर्ट पे एंट्री कैसे होगी बिना आईडी? एक काम कर, अपना फोन दे, जल्दी से अपना आधार नंबर डाल। यार ये एम आधार चलेगा? अरे दौड़ेगा दौड़ेगा, चल 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 फटाफट दबा के जा। जी पाजी, ये आधार कार्ड अगर खो जाए तो इतनी जल्दी मिल जाता है क्या, वो भी मोबाइल पे? हाँ पाजी मिल जाता है। ओ यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, तो अभी सोच लो, फायदे में रहोगे पाजी। एम आधार डाउनलोड करो कभी भी कहीं भी।
समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री अब्दुल अजीज कमिलोव के साथ मुलाकात में व्यापार, अर्थव्यवस्था, रक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। श्रीमती स्वराज भारत मध्य एशिया वार्ता में हिस्सा लेने के लिए उज्बेकिस्तान की दो दिन की यात्रा पर कल समरकंद पहुंची। बैठक में युद्ध से तहस नहस हुए अफगानिस्तान से संपर्क बढ़ाने सहित कई क्षेत्रीय मुद्दों पर प्रमुखता से बातचीत हो सकती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने एक ट्वीट में कहा कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा, अंतरिक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी और दोनों देशों के लोगों में परस्पर संबंध बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की भागीदारी के साथ भारत मध्य एशिया वार्ता से इस क्षेत्र में भारत की पहुंच को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। दोनों देशों के विदेश मंत्री इस वार्ता की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और मध्य एशिया के राष्ट्रों का साझा इतिहास और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। ये वार्ता इन देशों के बीच विविध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। मैक्सिको दीवार निर्माण का खर्च उठाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव पर बने गतिरोध के बाद अमरीका में सरकारी कामबंदी का कल 22वां दिन था। ट्रंप ने अमरीका मैक्सिको सीमा पर अवैध आवागमन और तस्करी रोकने के लिए कंक्रीट की दीवार या लोहे की बाड़ लगाने के लिए कांग्रेस के समक्ष 5 अरब 70 करोड़ डॉलर की मांग की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट संदेश के माध्यम से कामबंदी खत्म करने के लिए विपक्षी डेमोक्रेट सांसदों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। डेमोक्रेटिक पार्टी का कहना है कि वे इस प्रस्ताव को किसी भी हाल में मंजूर नहीं करेंगे। चीन के उत्तर पश्चिमी शांक्सी प्रांत में कोयले की एक खदान के ऊपरी हिस्सा ढह जाने से 19 खनिक मारे गए हैं। स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि 2 खनिक अब भी खदान में फंसे हैं। खदान की छत ढहते समय 87 खनिक वहां पर काम कर रहे थे। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने खबर दी है कि 66 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन अंडमान निकोबार कमान के 2 दिन के दौरे पर आज पोर्ट ब्लेयर जा रही हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि अपने प्रवास के दौरान सैन्य इकाइयों का प्रचालन तैयारियों और बुनियादी ढांचागत विकास की वे समीक्षा करेंगे। ये दूसरा अवसर है जब रक्षा मंत्री अंडमान निकोबार कमान का दौरा करेंगी। आज शाम पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के बाद वे अंडमान निकोबार कमान की संचालन तैयारियों और ढांचागत विकास कार्यों की समीक्षा करेंगी। कल रक्षा मंत्री कैंबल बे के निकट कमान की सभी सेनाओं की ओर से किए जाने वाले अभ्यास को देखेंगी और पोर्ट ब्लेयर में ब्रिजगंज सेना छावनी में जवानों से मुलाकात करने के अलावा अंडमान निकोबार कमान की ओर से तैयार दूसरे चरण की सिपाही प्रवासी परियोजना का उद्घाटन करेंगी। आकाशवाणी समाचार के लिए एमयू टीम के साथ पोर्ट ब्लेयर से मैं राकेश चंद्रलाल। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के कातापोरा या रिपोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। इनमें शोपियां का कुख्यात आतंकवादी जीनत उल इस्लाम भी है, जो 2015 में एक आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। विशेष सुराग मिलने पर कल शाम सुरक्षा बलों ने यह कार्रवाई की। इसके बाद दोनों ओर से गोलीबारी हुई। मुठभेड़ स्थल से हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक समागम के आयोजन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसके शुरू होने में अब केवल 2 दिन शेष हैं। इस महीने की 15 तारीख को मकर संक्रांति के दिन से ही शाही स्नान शुरू होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्रद्धालु अंतिम समय में असुविधा से बचने के लिए पहले ही कुंभ पहुंच रहे हैं। मेला प्रशासन ने आज रात से यातायात संचालन का मार्ग बदलने का फैसला किया है। ड्यूटी पर वाहनों को छोड़कर कुंभ क्षेत्र में किसी भी वाहन को अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्रतिबंध दोपहिया वाहनों पर भी लागू होगा। अन्य जनपदों से आने वाले वाहनों के लिए प्रयागराज की परिधि पर 7 प्रवेश बिंदु बनाए गए हैं। इन वाहनों को 95 पार्किंग स्थलों पर पार्क किया जाएगा और तीर्थयात्रियों को चलाई गई शटल बसों और ई रिक्शा द्वारा कुंभ क्षेत्र में भेजा जाएगा। एमएस यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोहड़ी की बधाई दी है। उन्होंने मकर संक्रांति, पोंगल, भोगाली बिहू, उत्तरायण और पौष पर्वों की भी बधाई दी है। श्री कोविंद ने एक संदेश में कहा कि देशभर में विविध ढंग से लेकिन समान उद्देश्य से मनाए जाने वाले ये त्यौहार किसानों के कठिन परिश्रम और धैर्य का सम्मान है। उन्होंने इस अवसर पर लोगों के जीवन में खुशहाली और भाईचारे की कामना की है। पुणे में खेलो इंडिया युवा खेल में महाराष्ट्र 37 स्वर्ण पदक लेकर शीर्ष पर है। महाराष्ट्र को 37 स्वर्ण, 33 रजत और 46 कांस्य के साथ कुल 116 पदक मिले हैं। दिल्ली दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर है। एक रिपोर्ट।
दिल्ली के जूदोकाज और तैराक तथा हरियाणा के कुश्तीगीर कल छा गए। जलतरण में लगातार तीसरे दिन महाराष्ट्र, दिल्ली तथा कर्नाटक के तैराकों ने 33 में से 21 पदक बटोरे। तमिलनाडु की लॉन्ग जम्पर शेरिन गफूर ने 6 मीटर से अधिक छलांग लगाकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिताओं में 3 स्वर्ण जीते। पश्चिम बंगाल के जिम्नास्ट ने विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जबकि त्रिपुरा को आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में पहला स्वर्ण मिला। पंजाब के वेटलिफ्टर्स ने कल 6 में से 3 स्वर्ण अपने नाम कर लिए। महाराष्ट्र 37 स्वर्ण के साथ पहले, दिल्ली 35 स्वर्ण के साथ दूसरे तथा हरियाणा 29 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर कायम है। आकाशवाणी समाचार के लिए मनोज क्षीरसागर, पुणे। आकाशवाणी के महानिदेशक फैयाज शहरयार ने कल आकाशवाणी के चेन्नई केंद्र में नवीनीकृत ड्यूटी रूम का उद्घाटन किया। उन्होंने सर्वोत्तम एफएम चैनल का पुरस्कार जीतने और चेन्नई में वार्षिक राष्ट्रीय कवि गोष्ठी के सफल आयोजन के लिए कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। ये पुरस्कार प्रतिष्ठित तमिल पत्रिका आनंद विकटन द्वारा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए आज बंद कर दिया गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने बारिश और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद विमलेंदु। उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन अखबारों की बड़ी खबर है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दुश्मनी भूल एसपी और बीएसपी के बीच 25 साल बाद 50-50। हिंदुस्तान के शब्द हैं, कांग्रेस से किया किनारा। उधर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को पंजाब केसरी ने धार दी है, बोलो कैसा सेवक चाहिए, मजबूर सरकार या मजबूत सरकार। सामान्य श्रेणी में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण के विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी पर नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, 10% आरक्षण अब बन गया 100% कानून, सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें। दैनिक भास्कर पड़ताल शीर्षक से लिखता है, रसूखदार परिवार 3-3 पीढ़ी से ले रहे हैं आरक्षण का लाभ। अमर उजाला ने दाखिले की दौड़ शीर्षक से लिखा है, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और वंचित वर्ग की सीटों पर दाखिले का इंतजार खत्म, 15 जनवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू, डोनेशन मांगने पर 10 गुना जुर्माना। जनसत्ता की अहम खबर है, कुलगाम में सेना ने मार गिराए 2 आतंकी, दैनिक जागरण लिखता है, अलबदर का चीफ कमांडर साथी सहित ढेर। दैनिक जागरण ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु के हवाले से लिखा है, जिला स्तर पर ध्यान देने से तेज होगा देश का आर्थिक विकास, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने में आईआईएम जैसी विशेषज्ञ संस्थाओं से लिया जाएगा सुझाव। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या करने की खबर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दुनिया भर में बढ़ रहे इलेक्ट्रॉनिक कचरे के खिलाफ अमरीका में राइट टू रिपेयर आंदोलन पर राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, इस्तेमाल करो और फेंको नहीं, हमें चाहिए मरम्मत का अधिकार। अमरीका और यूरोप से उठी आवाज, कम्प्यूटर स्क्रीन, स्मार्टफोन, टैबलेट और फ्रिज से जमा हो रहा कचरों का अंबार, भारत 5वां देश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण विधेयक को स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 10% आरक्षण नए भारत के प्रति विश्वास बढ़ाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री अब्दुल अजीज कामिलोव के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको दीवार बनाने को लेकर सरकारी कामबंदी खत्म करने के लिए विपक्षी सांसदों को वार्ता के लिए निमंत्रण दिया है। और खेलों में पुणे में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 37 स्वर्ण पदक लेकर महाराष्ट्र शीर्ष पर है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।